दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द नव जीवन। और आप जानते ही हैं, हर बार एक बात कहता हूं मैं, और सिर्फ वो बात यही होती है कि लगातार यूपी चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में, लखनऊ की कैंट विधानसभा में। तो आज हम यहां से बात करेंगे, जनता के बीच से जानेंगे कि क्या होने वाला है, क्या बदलाव हो रहा है, या फिर जनता दोबारा से योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगी। क्योंकि पिछले तीन बार से लगातार यूपी की जनता बदलाव कर रही है। पहले मायावती को रिप्लेस किया, फिर अखिलेश यादव को, फिर योगी आदित्यनाथ को मौका दिया। तो इस बार कोई नया चेहरा या फिर दोबारा से इसी पे भरोसा करेगी। कहीं ना कहीं महंगाई, पेट्रोल जो बढ़ रहा है, ये मुद्दा बन रहा है। लेकिन क्या सिर्फ मुद्दा विपक्ष बना रहा है, क्या लोग भी सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है? तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होने जा रहा है और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं चुनाव की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। अच्छा, और मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर। अच्छा, मैं एक मिनट बात कर, सॉरी काट रहा हूँ आपकी, मैं एक चीज़ भूल गया था कहना कि आज यहाँ पर RLD की महासभा भी हुई है, तो क्या ये भी प्रभाव पड़ने वाला है पिछली बार से अब ज़्यादा, क्योंकि किसान आंदोलन का प्रभाव क्या इस चुनाव पर आएगा या नहीं आएगा, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। जी, अब आपसे शुरुआत करेंगे। जी, मेरा नाम देवव्रत सिंह है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ये सारे भाई अपने जो पीछे खड़े हैं मुजफ्फरनगर से आए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए हुए थे और उनका एक बहुत विशाल जनशैली की रैली थी और काफ़ी सफल रही। अच्छा। और लगभग हम लोग 5 से 7 लाख भीड़ जुटाने में। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश को इस समय अपनी दोनों आंखें खोल के देखना चाहिए कि सत्ता की जो छीना पटक हो रही है उसके पीछे जनता का कितना फ़ायदा है और नेताओं का कितना फ़ायदा है। क्योंकि आफ्टर ऑल हर आदमी तो अपने फायदे के ही लिए दौड़ रहा है, तो जनता ऐसा ना सोचे कि हमें ही क्या कहते हैं पप्पू बनाया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा यही है कि वार और तीर कहाँ जा रहा है, इस निशाने को पहचानना है। ये बात तो आप पे भी लागू होती है। सर, मैं तो जनता हूँ। अच्छा। मुझे तो लास्ट में जो दिखेगा मैं उधर ही सीधा अपना बाण टेढ़ा कर लूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे अब पॉलिटिकल सिस्टम पे उतना ही भरोसा रहा जितना क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी पे एक पीड़ित का। अच्छा जी। और मेरा मानना ये है कि देखिए, देश में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, नहीं तो कोई कुछ भी कैसे भी करे, किसी इससे के ज्यादा विपक्ष मजबूत क्या चाहिए? पिछले 9-10 महीने से धरना दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, मजबूत और नहीं कैसी है? मजबूती चाहिए? वो सब तो चलो पर्सनल एजेंडे को साधने के लिए कोई भी काम कर किया जाता है। अच्छा। लेकिन इस तरह से कोई भी क्या कहते हैं विपक्ष मजबूती की तरफ नहीं दिखता। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा विपक्ष मजबूत चाहिए? मुझे ऐसा विपक्ष मजबूत चाहिए कि कोई भी कदम अगर सरकारें उठाएं तो उसमें सहमति भी विपक्ष की होनी चाहिए, ना कि अपने आप ही कोई सहमति आप देश के प्रति बना लीजिए। समझे, मतलब कि कोई भी कानून लाते हो तो विपक्ष भी उसमें सही होना चाहिए। एग्रीगेट। और भी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब अहमद है जी। मैं विधानसभा कांट जनपद मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों का मुद्दा उठा रही है। किसानों का आज नहीं, जब से चौधरी चरण सिंह रहे उन्होंने भी देश के किसानों का मुद्दा तो कांग्रेस भी उठा रही है, किसानों का मतलब बीएसपी उठा रही है, किसानों का मुद्दा समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। किसानों की बात कोई कहने वाला नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने हमें जमीनों का मालिक बनाया, बिल्कुल। उनके बाद चौधरी अजीत सिंह बचाए रहे हम लोगों की। आज ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार केंद्र में भी और यूपी में भी दोनों जगह है, तो वही जमीन छीनने का काम वो कर रही है जो हमें किसानों को जो किसानों का हक दिलाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे छीनने का काम कर रहे हैं, सारे देश की जमीनों को बेचना चाह रहे हैं। एयरल इंडिया बेच दिया है, आपने देखा भारत पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कोई चीज इन्होंने छोड़ी, लाल किला बेच दिया, सारा देश बेचने का काम कर रहे हैं। अरे बेच ही दिया, ठेका दिया तो बेच तो दिया, तो रिलीज पे दिया है, रिलीज पे दिया है। भाई दो आदमी का कैसे, पूरे देश के किसान दिल्ली में पड़े हैं, है एक साल बीत चुका है, 700 से 800 किसानों की मृत्यु हो चुकी, उसके बाद भी आज तक सरकार के कान पे कोई जू चलने वाली, भारत सरकार या केंद्र सरकार या यूपी सरकार किसी के मतलब सर पर जू नहीं चल रही है। किस लिए? किनका वोट लेके, जिनका भारत माँ की कसम खा के इन्होंने देश की सत्ता हासिल करी थी। आया था कि हम भारत माँ की कसम खाते हैं, इस देश में हम देश बेचने नहीं देंगे, देश को जो है किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय दोगुनी करते किसान को तो खत्म कर दिया, किसान को तो इन्होंने बिल्कुल ठप कर दिया, किसान को मारने का काम कर दिया। इस भाजपा ने नाश कर दिया किसानों का तो। अच्छा हाँ, समझ गए। इसकी भावना बनाई सरकार है कि ना, ये सब बेच खाओगी इस देश को।
जितने मतलब चौधरी चरण सिंह ने मतलब किसुना बनाना है इसे सब सब ढंग को बेच दिया। आप बताइए क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शुक्ला। ओम प्रकाश जी, कैसा है यूपी का माहौल? बढ़िया है। बढ़िया है एकदम, मजे में चल रहा है। कोरोना महामारी थी तो इसमें तो दिक्कतें आ ही रही है सब। अच्छा, कोरोना महामारी की वजह से दिक्कत आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है? वैसे क्या राजकाज, अभी हम यहाँ लखनऊ आए थे तो चारबाग मेट्रो स्टेशन पे हमने देखा वहाँ बड़े इश्तिहार लगे हुए योगी जी के, जी जी जी, योगी जी मोदी जी के भाई 1.5 लाख महिलाओं को रोज सरकारी नौकरी दी। तो करेंगे नहीं, देखिए वैसे नहीं है, वो तो पांच नए हाईवे, चार नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पांच शहरों में नई मेट्रो चलाई जा रही है और रोजगार बढ़ावा दे दिया है। तो क्या सिर्फ पोस्टर है या हकीकत में ये काम हो रहा है सरकार में? नहीं नहीं, काम हुए हैं, काम हुए। अच्छा, क्या क्या काम हुए? अरे जो जो भी दिखाया गया आपने जो बताया वही सारे काम हुए। महंगाई, महंगाई बढ़ी है, बढ़ी है महंगाई, बढ़ी दिक्कत नहीं है इससे? दिक्कत सबको है, दिक्कत महंगाई से तो दिक्कत है यही है। तो लेकिन महंगाई में भाई सरकार का कुछ मतलब तो रोल है ही है, लेकिन नियंत्रण से बाहर है। तो ओवरऑल जो है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो योगी जी आएंगे? हाँ आएंगे, योगी जी आ रहे हैं, आएंगे आएंगे। चलिए योगी जी ला रहे हैं, तो योगी जी को कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे काहे नहीं रोक सकता? बहुत अच्छा काम किया है, क्या काम अच्छा काम किया है? भ्रष्टाचार रोका, सब चीज काम किया है योगी ने। अच्छा, वे दोबारा फिर आएगा, दोबारा फिर आएंगे, लिख के दे लो। लोग कह रहे हैं ये पीछे और जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ईमानदार मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडा राज को खत्म कर दिया है और शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो गया है। हम माफिया गुंडे जो हैं कि जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, हैं? अच्छा, एक समस्या आ रही है, हमने बहुत लोगों से बात करी, नो डाउट। देखिए, जो मोदी विरोधी थे, योगी विरोधी थे, उन्होंने भी एक बात कही है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो सत्य है वो कहना जरूरी है, कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। खत्म का मतलब बिल्कुल समाप्त तो कहीं नहीं हो सकती, कम हुई है, फिर बहुत कम हुई है, चलिए इसको मान लेते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि जितनी महंगाई इस सरकार ने बढ़ाई है किसी और सरकार ने नहीं बढ़ाई, हम मरे जा रहे हैं महंगाई के मारे। ऐसा है, देखिए पहले परिवार में एक गाड़ी होती थी तो आदमी ससुराल ननिहाल बुआ के यहाँ जाता था। लड़के के लिए अलग गाड़ी, लड़की के लिए अलग है, माँ के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, बहन के लिए अलग, भाई के लिए अलग, इतनी गाड़ियाँ घर में हो गई हैं। तेल भारत में तो बन नहीं रहा, ना पैदा हो रहा। लेकिन लेकिन पहले जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा, बिल्कुल खेती बढ़ नहीं रही है, जमीनें बढ़ नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ से आएगा? पहले एक रोटी, सुन लीजिए, पहले एक रोटी बनती थी तो चार लोग घर में बैठ के खा लेते थे। आज जनसंख्या बढ़ रही है, चार चार बीवी रखेंगे, मेरा सवाल ये है, पैदा करेंगे कहाँ से आएगा? आप सिर्फ गाड़ियों पे मत जाइए, पहले दिल्ली से लखनऊ आने में बस से आते थे। हाँ। कितना किराया था अगर हम 50 साल पहले बात करें? 50 रुपए, 100 रुपए, आज 800 रुपए किराया हो गया। तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए भी तो बढ़ी है महंगाई। महंगाई तो ये जनता बढ़ा रही है ना, जनता जनसंख्या नियंत्रण करे। जनसंख्या तो हमारी चीन की, जनसंख्या तो चीन की हमसे ज्यादा है, मुझे नहीं है, जनसंख्या चीन की हमसे ज्यादा है। ऐसा है कि सर जनसंख्या हमारी हमसे ज्यादा चीन की है। जमीन तो रबड़ की तरह बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोई खेती करना चाहता नहीं है, सबको नौकरी चाहिए, खेती किसानी करना नहीं चाहता, इसलिए उसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अनाज जब तक उत्पादन नहीं होगा, खेती नहीं होगी, जंगल देख रहे हैं कटते जा रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, तो हर चीजें हैं उसके लिए पूरा। अब मसला ये है, खेती किसानी, किसान यही तो कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी जमीनें लेने जाओगे, हम खेती भी क्या करेंगे? तो कह रहे हैं तुम हमें खेती नहीं करने दे रहे। किसान ये सब है कि ये सब जो है कि देशद्रोही है। हार्दिक पटेल कहाँ गया? कांग्रेस में गया कि नहीं गया? जिग्नेश मेवानी कहाँ गया? कांग्रेस में गया? कन्हैया कुमार हार्दिक पटेल की बात कौन कर रहा है? ये सब ये कोई किसान उसान नहीं, किसान कोई किसान नहीं बैठे, कोई किसान नहीं बैठे सर। ये सब कहने वाली बातें हैं जो, अच्छा ये बताइए आप कह रहे हो वो किसान नहीं है, और जो कॉरपोरेटर्स हैं अंबानी अडानी वो कौन है? एसी लगा के बताइए, सरकार कॉरपोरेटरों को पूरा बेचती हुई चली जा रही है, आप मेरे को कोई जवाब दे सकता है? आंदोलन एक दिन होता है, आप ये कह दीजिए कि अंबानी और अडानी नहीं है तो मैं मान जाऊं किसान वो नहीं है, बात ही खत्म हो जाए। आपको कौन रोक रहा है? वो अपनी मेहनत से बढ़े, आपको कौन रोक रहा है? अंबानी अडानी वो ये कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, किसान कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सरकार जो सरकार ने जो बताओ ब्रेड बेच रही है, कुल मिला के द ईस्ट इंडियन कंपनी हैज बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया, वंस दे बी ऑल ऑफ दैट गुलाम एज वेल,
मेरी बात खत्म है कि वंशवाद की राजनीति भारत की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस का एक कुनबा राज करता था, मोदी जी के आने से पूरा कांग्रेस खत्म हो गई है और तीन जगह सिमट गए, तीन मूर्ति बचे हैं, सोनिया, राहुल, प्रियंका जी, ठीक है ना। माननीय मुलायम सिंह एक विक्रमादित्य मार्ग पे कब्जा किए हैं, बहन जी माले बन्नू कब्जा किए, परिवारवाद वंशवाद खत्म है, जनता मोदी योगी के साथ। सोनिया गांधी नहीं तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, राहुल गांधी ने उसके हाथ से लेकर बिल फाड़ दिया। मनमोहन सिंह की क्या चल रही थी, रिमोट कंट्रोल सोनिया के पास था, राहुल के पास था। आज देश का मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, जो अमेरिका वीजा तक नहीं देता था, मुख्यमंत्री थे, अमेरिका एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहा था मोदी। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पावर नहीं दी थी उनको, प्रधानमंत्री बना दिया, रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, बट बीजेपी में भी तो यही है, सिर्फ सब कुछ मोदी जी चला रहा है, तो मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री खुद कहते हमारे यहाँ तो मान लीजिए जेपी नड्डा बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए, भाजपा जैसा तो लोकतांत्रिक संवैधानिक कोई पार्टी है नहीं है, पार्टी नहीं है, पूरा नींबू बेच दो, एक आध बूंद जनता में छिड़क दो। आज बताइए, इतनी बड़ी केंद्र और क्या कहते हैं राज्य सरकारें धन उगाही कर रही हैं लोगों से, पेट्रोल डीजल, मतलब मैं कह रहा हूँ सुई से लेके किसी भी ट्रांसपोर्ट, किसी भी एवोल्यूशंस में इन लोगों की जितनी धन उगाही टैक्सेशन होती है, क्या उसका 1% भी जनता पे खर्च होता है? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको एक एक रैंडमली हिसाब देना चाहता हूँ कि जितना भी सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम उतना ही है कि 100 रुपए में 1 ही रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और रही बात गरीबों को ऊपर उठाने की, तो कोई सरकारें आज तक नहीं उठा पाई है गरीबों को ऊपर, चाहे कोई कितना भी सोच ले कि इस गरीब को मैं ऊपर उठा दूंगा, उसके लिए जब आप कर ही नहीं पा रहे हो तो कहां से उठा दोगे उसको ऊपर? चलिए एक दो लोग हैं, उनसे और बात कर लेता हूं, फिर हम खत्म करेंगे डिबेट को। युवा है, क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप यादव। कितने युवा है, आप कहां से है? मैं होम डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर विंध्याचल से हूं, मेरा नाम चंदन यादव है, मैं यूजन सभा में राष्ट्रीय सचिव हूं। सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा ये बताइए कैसा चल रहा है यूपी का माहौल? यूपी का माहौल बाद में बात करेंगे, पहले मैं होम डिस्ट्रिक्ट जिस जनपद से आता हूँ उस जनपद के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे की मिर्जापुर जनपद में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 2 विधानसभा सुरक्षित सीट है, एक चुनार विधानसभा पटेल बाहुल है, मढ़ियार विधानसभा पटेल बाहुल है, नगर विधानसभा में मिली जुली सब है, ठीक है। तो सबसे पहले विकास के मुद्दे पर आप आइए, तो मिर्जापुर जनपद में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का शिलान्यास किया गया, रोपवे को लगभग 80% काम करा दिया गया था, जो माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह से होते हुए अष्टभुजा पहाड़ पर 100 फीट की खाई में नदी के गंगा माता की तराई के क्षेत्रों से होते हुए एक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण कराया गया। उस काम का 80% काम होने के बाद बाबा जी जाते हैं उसको पूरा कलर एक कलर से कलर करा देते हैं, ठीक है, कलर से कलर कराने का उसका फीता काटते हैं। जब उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, तो आप उस चीज का दोबारा फीता कैसे काट सकते हैं? 80% काम हुआ था ना, 100% काम उनकी सरकार में हुआ था, फीता वही काटेंगे। 80% नहीं, मेरी 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 बात सुनिए, ले दे के 80% ले दे के 80%, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर 80% जिस पार्टी में 80% काम हुआ जी, 80% काम होने के बाद ये थोड़ी कहा जाएगा कि भैया 80% उस सरकार में हुआ था, उनको बुलाओ फीता काटने के लिए। मैं उस बात को मानता हूँ, सरकार जिसकी है वो तो फीता काटेगी, बिल्कुल। दूसरा चीज आता है एजुकेशन, हमारे मिर्जापुर जनपद में नक्सलाइट एरिया है, ठीक है, सटा हुआ जनपद सोनभद्र है, हमारे मिर्जापुर जनपद में एजुकेशन का समाप्ति की तरफ है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, वाराणसी और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है, लेकिन मिर्जापुर में काफी सालों से हम लोगों ने लगातार विंध्य विश्वविद्यालय की मांग करते आ रहे हैं, आज तक विश्वविद्यालय सरकार में क्यों नहीं करी थी मांग? भाई प्रेजेंट टाइम में जिसकी सरकार उससे मांग करेंगे ना, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 5 साल पहले हम उनसे रखेंगे, 5 साल पहले भी नहीं था विश्वविद्यालय, था या नहीं, हाँ या ना बताइए, नहीं था उसकी बात नहीं, कभी नहीं था ना, अभी नहीं था। तो मेरा सवाल ये है, अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं बना दिया, आज क्यों मांग कर रहे? उस समय एजुकेशन मतलब नौजवान नहीं जागरूक हुए थे, अब नौजवान जागरूक हो रहा है शिक्षा, योगी टाइम, योगी जी ने जागरूक कर दिया, योगी जी से नहीं मतलब हमसे, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, सरकार योगी, मेरा सवाल ये है, योगी जी अकेले किसी भाजपा के दल विधायकों से नहीं बने हैं, जिन विधायकों को चुना गया है उस विधायक को सर्व समाज ने वोट दिया है। 5 साल में ही क्यों याद आ रहा है विश्वविद्यालय बनना है, अखिलेश सरकार में क्यों याद नहीं आया था? देखिए अगर इस तरह की बातें हो तो दूसरे जो नेता है उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सत्ता में रहने वालों से डिमांड ही किया जाता है, हाँ। चाहे जिसकी सरकार रही, हम नहीं बनाएंगे लेकिन विपक्ष में आके मांग करेंगे, डिमांड करेंगे और वादे भी करेंगे, चाहे वादों को पूरा करें या ना करें। और रही बात जिसकी, तो पूरी जनता ने देखा किसने किसका क्या विकास किया है भाई। अब रही बात गरीब तबके की बात, और इस चुनाव में सबसे बड़ा क्या कहते हैं निर्णायक वोटर कौन सा होगा,
उसके लिए मैं अभी भी बता दूं, दलित और पिछड़े हमारे जितने भाई हैं वो सब इस चुनाव में निर्णायक वोटर होंगे और वही फैसले करेंगे। मनमोहन जी को बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को बदल दिया, जनता ने किसी को नहीं बख्शा महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन अब ये देखना है कि 2022 में योगी जी बदले जाएंगे या नहीं, और 24 में मोदी जी बदलेंगे या नहीं, या महंगाई बदल जाएगी, ये जनता तय करेगी और आने वाला समय तय करेगा। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।